ವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಕಂಪನಿ ಕಿರುಕುಳ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ. ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಅದಾನಿ ಒಡೆತನದ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಮೇಶ್ ಪವಾರ್ 45 ಕಂಪನಿ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ರ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರಮೇಶ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ಚಿತ್ತಾಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕ ದಿವಂಗತ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಅವರ ಮಗಳ ಪತಿ. ಎಸ್ಎಸ್ಸಿಯ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಡಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. मैं रमेश पवार, मैं अपना ये जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ अपने होश और आवास में दे रहा हूँ. मैंने 26 साल एसीसी कंपनी में काम किया और मेरे को कंपनी ने 30 दिसंबर को बुला के बोलता है कि आपको टर्मिनेट किया जा रहा है, जबकि मनोरन और क्लस्टर्ड वायस राव बुला के बोलते हैं कि तुम्हारा परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तुम्हारे को हम टर्मिनेट कर देंगे, उल्टे बोलता है. मैंने वो लेटर लिया नहीं और मैं वो लेटर को स्वीकार नहीं करके मैं आ गया. लेकिन मेरा कसूर क्या था? कुछ भी नहीं था. मैंने कुछ सच्चाई के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाया था कंपनी में. सच्चाई मतलब बहुत सारा वहाँ पर फ्रॉड चल रहा था जिसमें हमारे मैनेजमेंट के लोग शामिल थे, जैसे नागराज रेड्डी बैग के इसमें इन्वॉल्व था एंड मेरे को टारगेट बना दिया हुआ. और ये बहुत ही दुखद की बात है, लेकिन मैं अपना नहीं छोड़ा क्योंकि मेरे को ट्रांसफ़र कर लास्ट पिछला नवंबर में 2022 में मेरे को टंडे भाई ट्रांसफ़र किया और वहाँ पर मैं इसलिए ट्रांसफ़र किया क्योंकि यहाँ पर कुछ पैकर में गड़बड़ी होने से 750 to 800 टन शॉर्ट वेट बैग गया था, तो उसका जिम्मेदार मेरे को ठहरा दिया, जबकि उसके जिम्मेदार और तीन लोग भी थे, नागराज रेड्डी, अजय दुबे, गोपाल कुलकर्णी. क्यों मालूम? कोई भी पैकर अगर शॉर्ट वेट फेंकता है तो उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन का भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो लोगों ने मेरे को टारगेट बनाया, बोला कि अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम ट्रांसफ़र नहीं होगे तो तुम्हारे को हम टर्मिनेट कर देंगे. तो मैं चला गया, वहाँ पर ड्यूटी किया. 7 मार्च को मैं नाइट विजिलेंस के लिए टुंडे भाई में गया. पूरा राउंडिंग लेने के बाद वैगन टिप्लर डिपार्टमेंट में गया, वहाँ पर मैं गिर गया और मेरा वहाँ पर गार्डन से जैसे सीढ़ी पे उतर रहा था वाकई, तो मैं गिरने से मेरे को बहुत ही जर्क आया. जर्क आने के बाद मेरा लेफ्ट लेग में बहुत ही तकलीफ हुआ. ये रिपोर्टिंग मैंने वहाँ पर किया था, मैंने वहाँ के सेफ्टी मैनेजर संदीप गुप्ता है, HR हेड चंद्रा मैडम को भी किया था कि ऐसा ऐसा हो गया. 7 तारीख को मैं नाइट विजिलेंस करके मॉर्निंग में चला गया. थोड़ा दर्द ये था, फिर मैं वहाँ लोकल में दिखा के फिर 8 तारीख को मैं ड्यूटी आया. ऐसा ऐसा मेरे को तकलीफ हो रहा है, मेरा रिपोर्ट लिख लिए मेरे को बहुत. तो मेरे बात का पता नहीं वो लोग कितना गंभीर लिया मालूम नहीं, और उसको रिपोर्टिंग नहीं किया, बल्कि ये लोग अभी यहाँ का HR मनोरन और राव बोलते हैं वायस राव कि वहाँ पर मैं रिपोर्टिंग नहीं किया, आपको अंदरूनी बीमारी से आपका पैर कटा है, आपका एम्पटेशन हो गया है. लेकिन मेरा एम्पटेशन ऐसे नहीं हुआ. अपोलो का वैस्कुलर सर्जन चंद्रशेखर राव से ये चीज़ हम लोगों ने बात किया था, उसने एक ही चीज़ बोला कि आपका एम्पटेशन का वजह है आपका ब्लड क्लॉट हुआ, कुछ हैवी जर्क या ट्रॉमा आके है. उसके बाद ये लोगों ने मेरे से पूरा पेपर भी लिया, डिस्चार्ज और मेडिकल रिपोर्ट्स,
बोलता है इंटरनल बीमारी से आपको ये हुआ है, आप ये नहीं है, इसलिए मेरे को नौकरी पे नहीं लिया। मेरे पर 6 लोग डिपेंड है, 3 बच्चे, बीवी, 2 लड़की इंजीनियरिंग पढ़े और लड़का 10th में है, मैं उनका फीस नहीं भर पा रहा हूँ। 7 महीने से मेरे को पगार नहीं, पेमेंट नहीं दिया है, जबकि प्लांट में इंसिडेंट हुआ, जबकि मैं ये मेल पंडे भाई के मंजुनाथ ओसमानी को डाला था कि मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं ऑन ड्यूटी में, मेरा सैलरी मेरे को ज़रा दीजिए, इन सैलरी वो लोग दिया नहीं। आज 7 महीने से मैं बिना सैलरी के घर का गुजारा करना मुश्किल हुआ है, इसके चलते मैं बहुत ही परेशान हूँ और कोई मेरे को रिस्पांस नहीं मिला। और इसके लिए मैं और विठल नायक जाके रिक्वेस्ट भी किया क्लर्क शेड और मनोरम को कि मेरा इम्टेशन हो गया है, मेरे को कोई दूसरा कंपनी नौकरी नहीं देगा, प्लीज़ मेरे को जॉब पे रख लीजिए। विठल नायक ने भी बहुत रिक्वेस्ट किया तो भी माना नहीं, उमेश यादव साहब भी बात किए पता ये लोगों से तो भी ये लोग कोई रिस्पांस नहीं दिया है, खाली करण अदानी और अजय कपूर का नाम लेके डरा रहे, बस वो लोग से ही बात करो वो लोग से। अरे करण अदानी और अजय कपूर को रमेश पवार को मालूम नहीं, ये तो आपका काम है कि ऐसा ऐसा हुआ है इसको, इसके लिए आपको कन्विंस करना चाहिए, नहीं किया लोग और मेरे को बेसहारा छोड़ दिया। आज मेरे घर में बहुत ही तकलीफ से दिन निकाल रहे हैं, रात दिन हम लोग कैसे निकाल रहे हैं मालूम नहीं, बच्चों को इधर उधर से कर्जा लेके लड़कियों का फीस भरा हूँ, और विठल नायक ने मेरे मेडिकल बिल जो भी हुआ था 20 लाख रुपए, उसमें 6 लाख करीब कंपनी का इंश्योरेंस से मिला, बाकी 14 लाख रुपए बाय हैंड भरना पड़ा, और उसके लिए मैंने विठल नायक से लिया, वो तो मेरे लिए भगवान स्वरूप है, बहुत ही मदद किया, और इसमें मेरा घर परिवार भी बहुत साथ दिया, इसे बुरे टाइम में वो लोगों ने मेरा साथ रहा, मेरी बीवी तो मेरे लिए रात दिन मरती रही और पता नहीं क्या क्या हुआ, इसलिए मैं मेरे मौत के जिम्मेदार है नागराज रेड्डी, मनोहरन, वाईएस राव, राघवेंद्र राव जागीरदार जिसने मेरे को टारगेट बनाया बैक शॉट वेट में, और आईटीबीटी मिनिस्टर प्रियंका रेड्डी के साथ मेरी मदद करना, मेरे घर परिवार को इंसाफ दिलाना प्रियंका रेड्डी साहब, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। वाल्मीकि ने कहा जमाई समझ के दिलाना साहब, कोई पार्टी गिरती नहीं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहूँगा।